हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से आप सभी का माय लिटिल टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूँ तो काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत शुभ और देवी माँ को चढ़ाए जाने वाले फूल हैं, तो उनमें से एक फ्लावरिंग प्लांट आज हम आप सभी से शेयर करेंगे जो कि बहुत अच्छा शुभ प्लांट भी मानते हैं और साथ ही साथ में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो देखिए, उससे पहले फ्रेंड, ये हमारे हर श्रृंगार के प्लांट के हर ब्रांच में इस तरह से कली और फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे हिबिस्कस और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जिनके कि फूल बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, कम केयर में चलते हैं और साथ में पूजा में इन सभी फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें से एक फूल अभी शेयर कर रहे हैं आप सभी से, फ्लावरिंग प्लांट। फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लांट, लकी प्लांट आप सभी से शेयर कर रहे हैं। तो इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बिल्कुल इजी टू केयर है और साथ ही साथ इसके फ्लावर जो होते हैं इनका कलर चेंज होता है। सुबह अगर ऑफ वाइट रहे तो दोपहर 12 बजे के बाद धीरे धीरे पिंक कलर ले लेता है। तो जी हाँ, ये स्थल कमल का प्लांट है और इसको बिल्कुल आसानी से गमले में लगा सकते हैं। गमले में चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है। यूँ तो ये प्लांट अगर ज़मीन में रहे तो बड़ा सा वृक्ष का रूप ले लेता है, काफ़ी सारी ब्रांचेस आती है और भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर इसके कली को रात को रख दे पानी में तो सुबह खिल भी जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है और गमले में लगाना बिल्कुल संभव है। तो फ्रेंड, ये वाला देसी वैरायटी है जो कि काफ़ी लंबा हाइट ले लेता है, काफ़ी बड़ा होता है और नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। इसको हम गवर्नमेंट नर्सरी से 20 रुपीज़ का लाए थे और साथ ही साथ फ्रेंड, इसकी कटिंग तो बिल्कुल आसानी से लग जाती है। 6 से 7 इंच तक की कटिंग अगर आप पेंसिल के आकार का लेंगे, मतलब पेंसिल की जैसा थिक लेंगे, तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। और चूंकि अभी सितंबर का महीना है तो कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय है। तो अगर इस प्लांट की कटिंग मिले इस तरह से, छोटी इस तरह से ऐसी पतली कटिंग भी मिले आप लगाएंगे, तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी और 1-2 महीने के अंदर इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस प्लांट की फ्लावरिंग का समय अभी इस समय से लेकर पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक फ्लावरिंग होती है। और अगर इस प्लांट को ज़मीन में लगाएंगे तो पूरे जनवरी, फरवरी तक भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, शुभ प्लांट है और केयर बिल्कुल हिबिस्कस जैसी है। देखिए, हमारे इस प्लांट गमले में लगा है और इनमें काफ़ी सारी, ढेरों सारी इनमें देखिए कली आई हुई है, काफ़ी सारी कली आई हुई है। तो इस प्लांट की कुछ केयर भी करना है अभी, क्योंकि कलियों को खिलना भी है। और प्लांट की कुछ केयर भी आप सभी से शेयर करेंगे कि हम किस तरह से केयर करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर नर्सरी से लेकर आते हैं इस प्लांट को, तो बिल्कुल ऐसे वेल्डन मिट्टी में लगाए जिसमें कि एक हिस्सा मिट्टी, रेत और खाद तीनों बराबर मात्रा में ले। तो खाद में आप गोबर की खाद सबसे बेस्ट है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट। बस उसमें आप थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर मिला ले, अगर फंगिसाइड ना हो नीम की खली तो मिला सकते हैं। नीम की खली हम हर प्लांट्स में मिलाते हैं, मतलब मिट्टी, रेत, खाद बराबर लेते हैं और उनमें एक मुट्ठी फंगी, मतलब नीम की खली ज़रूर मिलाते हैं, क्योंकि नीम की खली बहुत अच्छा, मतलब नेचुरल फंगिसाइड पाउडर है और साथ ही साथ खाद का भी काम करता है। और अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं हो तो बिल्कुल हल्दी, 1 चम्मच हल्दी एक गमले में डालेंगे तो वो भी फंगिसाइड का काम करता है। तो बस इस तरह से वेल्डर मिट्टी में इस प्लांट को लगाना है। और धूप की बात करें तो फ्रेंड, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है, क्योंकि ये धूप का प्लांट है, धूप को पसंद करने वाला प्लांट है और धूप में रखे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। बस मिट्टी को गीला रखना ज़रूरी है, तो गमले की मिट्टी को हमेशा गीला रखें, गीली मिट्टी ये प्लांट पसंद करता है, साथ में 3 से 4 घंटे की धूप पसंद करता है। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस प्लांट की धूप की रहती है और पानी की रहती है। धूप और पानी अच्छा मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। और खाद की बात करें तो फ्रेंड, अभी जैसे कि अभी इस प्लांट की केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग होगी और इसका, इस प्लांट का फ्लावरिंग का समय यही सितंबर, मतलब सितंबर से लेके पूरा सर्दी तक तो रहती है। तो इसलिए इस प्लांट को थोड़ा सा इस सीज़न में थोड़ा सा खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आगे शेयर करेंगे कि हम कौन सा खाद देंगे इस प्लांट में।
तो सबसे पहले तो फ्रेंड इस प्लांट को जब लगाते हैं उसके बाद 6-6 महीने में ज़रूर खाद दें। जैसे अभी तो खाद देंगे, फ्लावरिंग अच्छी होगी, उसके बाद फिर फेब्रवरी में एक बार खाद दें तो प्लांट बहुत अच्छा अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है फ्रेंड, वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो हम तो ये 20 रुपीस का लेकर आए थे, गौमी नर्सरी से मिला, और कटिंग भी आसानी से लगता है। लेकिन जो उसकी ड्रॉप वैरायटी रहती है उसकी हाइट छोटी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है उसमें भी। तो वो प्लांट थोड़ा कॉस्टली मिलता है, 150 से 200 के अंदर मिल जाएगा, थोड़ा सा रेयर है वो, कम कभी कभी ही मिलता है। तो हमें सिर्फ एक बार ही नर्सरी में दिखा था, उसके बाद कभी दिखा नहीं। तो ये तो बड़ा रूप लेने वाला प्लांट है जो कि देसी वैरायटी का प्लांट है, लेकिन हाँ गमले में इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे इसमें कली आई हुई है, ये एक ब्रांच है, उसका ये एक ब्रांच है, इसमें भी कलियाँ छोटी छोटी आ रही है। अब कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, इसमें छोटी छोटी कली आ रही है, इसमें भी कली आने वाली है। तो इस प्लांट के लिए कुछ खाद बहुत ज़रूरी है, ताकि इस प्लांट को अभी अच्छी खाद देंगे, पानी देंगे तो बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा खाद हम दे रहे हैं। ये देखिए ये गोबर की खाद है, अगर गोबर की खाद आप बिल्कुल डिकम्पोज अच्छी गोबर की खाद होनी चाहिए इस तरह से, तो ऐसी गोबर की खाद ले, नहीं तो वर्मी कम्पोस्ट ले। तो ये गोबर की खाद तो हमें एक जगह से मिलती है, उसका लिंक हम दे देंगे, आप भोपाल में रहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। 5 किलो का पैकेट 30 रुपीस का आता है। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए नीम की खली, ये देखिए नीम की खली, नीम की खली देना बहुत ज़रूरी है, फंगिसाइड के साथ साथ खाद का भी काम करता है। तो गोबर की खाद और नीम की खली ही काफ़ी है इस प्लांट के लिए। अगर आप आगे और देना चाहते हैं तो हमारे पास जैसे ये सीबीट है, तो ये सीबीट भी दे सकते हैं, ये हम फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं। तो अगर सीबीट हो आपके पास तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये समुद्री शैवाल या घास से बनता है, तो बिल्कुल फुल्ली ऑर्गेनिक है, और साथ में फंगिसाइड पाउडर। अगर फंगिसाइड ना हो तो आप हल्दी दे, बस इन सभी को आपस में एक साथ मिला ले। मिलाने के बाद इसको इस प्लांट में दे दे, पहले गुड़ाई कर ले। तो फ्रेंड देखिए इस प्लांट की मिट्टी, ये देखिए हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली थी, देखिए इसकी जड़ें भी ऊपर तक आ रही है। उसके बाद फ्रेंड जो ये खाद हमने बनाई है, ये करीबन 100 से 200 ग्राम के करीबन खाद है, तो हम पूरा ही दे देंगे, क्योंकि ये प्लांटर काफ़ी बड़ा है, कम से कम 20 20 इंच तक का होगा ये प्लांटर। तो ये भी एक तेल का जो बकेट था उसी में हमने लगाया, प्लास्टिक का बकेट। तो इसमें इस तरह से खाद देके अच्छे से गुड़ाई करके फिर पानी दे देंगे। तो बस ये इस प्लांट की केयर है, और इस तरह से खाद दे, तो अभी खाद देंगे, उसके बाद 1 महीने बाद फिर यही खाद हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हैवी फीडर है, अभी लगातार इस प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी, और जब फ्लावरिंग होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो इसमें कलियाँ, काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से इस प्लांट की केयर करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो बस सबसे बड़ी नीड यही है इस प्लांट की, कि धूप बहुत ज़्यादा चाहिए, और अगर इंसेक्ट लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मिलीबग की शिकायत रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल हबिस्कस जैसी केयर है इस प्लांट की, तो मिलीबग लगता है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर हटा दें। तो मेरे प्लांट में तो किसी तरह की कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं है, बस ये देखिए ये थोड़ा सा ये छेद छेद है, उसके अलावा और कुछ किसी तरह का कोई मिलीबग का अटैक नहीं है। अगर मिलीबग लगे तो आप नीम का ऑयल का स्प्रे करें, अगर नीम ऑयल नहीं हो तो शैम्पू को पानी में, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच करीबन शैम्पू को घोल के फिर उसका स्प्रे करेंगे, तो भी उससे मिलीबग वगैरह हट जाएंगे। तो बस यही केयर है इस प्लांट का, कि अच्छे से धूप में 2 से 3 घंटे या उससे अधिक धूप में रखे, मिट्टी को गीली रखे, और अभी खाद दे, मतलब साल में 2 बार खाद दे, और इस सीज़न में थोड़ा सा अभी खाद दिया, उसके 1 महीने बाद फिर थोड़ा खाद दे, क्योंकि अभी फ्लावरिंग का टाइम है और थोड़ा हैवी फीडर भी है इसीलिए। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप हमारे नए फ्रेंड हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।